पॉडकास्ट में काजल द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ केकेआर न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। कुरावर के लोग लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, पुलिस भी थाने में पूरा सैनिटाइज कर रही है। हमारे संवाददाता ने कुरावर थाने के स्टाफ से इस बारे में जानकारी ली। जैसा कि अभी हम कुरावर सिटी में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि इस जगह लॉकडाउन का किस तरीके से पालन किया जा रहा है। यहाँ पर सभी तमाम दुकानें बंद हैं और लोग अपने घरों में ही हैं। सिर्फ ज़रूरत की चीज़ लेने ही लोग यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं, बाकी नहीं तो लोग बिना किसी काम के अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। अभी जो हमें जानकारी मिली है कि यहाँ का मार्केट भी टाइम समय समय पे खुल रहा है, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और रात में 9 बजे से 11 बजे तक। तो इन 4 घंटों में लोग अपना ज़रूरत का सामान ले कर अपने घरों में जा रहे हैं। जैसा कि उसी की वजह से हमको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पूरी सिटी में लॉकडाउन की अलग स्थिति बनी हुई है, जनता अपने घरों में है और कोई बाहर नहीं आ रहा है। तो आइए हम पता करते हैं यहाँ के थाना प्रभारी महोदय से कि किस तरीके की व्यवस्था बनाई रखी है अभी तक यहाँ पर, कि लोग अपने घरों में हैं और यहाँ पर जो देख बिल्कुल लॉकडाउन का एक अच्छा नज़रिया देखने के सामने आ रहा है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर जो पुलिस ने एक तरीके की व्यवस्था बना के रखी है, जैसा कि आप ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर आता है, वो भले ही पुलिस स्टाफ का हो या कोई फरियादी हो, तो सबसे पहले उसके हैंड वॉश के लिए ये जो सिस्टम बनाया गया है जिसमें 3 तरफ नल लगा हुआ है, यहाँ पर अपना पूरी तरीके से अपने हाथों को क्लीन करके उसके बाद ही आप थाना परिसर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इस तरीके की पुलिस ने व्यवस्था बनाई गई है, तो आइए हम जानते हैं कुरावर थाने के ऐसा हिसाब से कि किस तरीके की पुलिस व्यवस्था बनाई गई है इस लॉकडाउन को लेके। सर आपका नाम? महेश कुमार गंधर। महेश जी, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, जनता को किस तरीके से अपने घरों में रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना है आपको? आप देख रहे हैं जिस तरह से मतलब जो है कि व्यवस्था की है और जो व्यवस्था बनी है वैसी सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार कोई लापरवाही नहीं की जा रही है। तो जो यहाँ पर अभी हमें देखने को मिला है कि मार्केट तो टोटल बनी है और लोग अपने घरों में हैं, तो मार्केट खुलने की क्या टाइमिंग है यहाँ पर जिससे लोगों को समय पर राशन मिल रहा है? जैसे सुबह का टाइम है, फिर बीच में 2 घंटे बढ़ा के घटा के कम कर दिया, जैसा शासन सोचो बना रही है उसी तरह से उसी तरीके से आप व्यवस्था कर रहे हैं। तो यहाँ जिस चेकिंग व्यवस्था, किस तरीके की वाहन चेकिंग व्यवस्था आपने लगाई है? वाहन सुविधा जो हमारे वहाँ पे लगी, कहाँ टोल टैक्स नाका जो है अपना टोल टैक्स के पास नहीं, ये नदी जो बैतूल नदी कौन सी है इंडस्ट्री एरिया के पास लगा है, इंडस्ट्री के पास वहाँ लगा रखी है और बराबर अप डाउन है और आने जाने की बिल्कुल रोक टोक। गली और मोहल्ले में क्या राउंड अप किया जा रहा है यहाँ पे? ऐसा कभी कभी जो सब अपने अपने घर में सुरक्षित हैं, कोई बाहर नहीं है, कोई बाहर नहीं है। तो ये देख सकते हैं आपके जैसा कि अभी हमें बताया गया है कि यहाँ पर लोग अपने घरों में रह रहे हैं, लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं और पुलिस की कहीं ना कहीं पूरी सहायता कर रहे हैं। पुलिस भी चेकिंग व्यवस्था में अपनी अधिक से अधिक मेहनत की जा रही है, जैसे कि 2 चेक पॉइंट लगाए रखे हैं, एक भोपाल से आने के तरफ वाला और एक ब्यावरा से आने वाला, दोनों तरफ पुलिस ने एक एक चेकिंग पॉइंट बना के रखा है। बाकी शहर की जनता इस चीज़ का पूर्ण रूप से पालन कर रही है, पुलिस को इस विषय में कोई परेशान नहीं होना पड़ रहा। मैं केकेआर न्यूज़ से रिपोर्टर आदिल खान। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें केकेआर न्यूज़ को और बेल आइकन को क्लिक करें।